हेलो एंड वेलकम टू ब्रेन चाओ हिंदी. आज हम रिएक्ट करने वाले हैं हमजा इब्राहिम हाउ टू व्लॉग विद ए फोन. इनका चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन एंड वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा. प्लीज चेक किम आउट एंड सपोर्ट भी करना. यस, उनका चैनल के बारे में स्पेशलिटी ये है कि उन्होंने बहुत कम व्लॉग्स बनाए हैं और उनको काफ़ी ज़्यादा सक्सेस मिला है. आज आफ्टरनून में ही मुझे एक ही पर्सन से दो ईमेल्स आए हैं एंड वो चाहते हैं कि हम इस पर रिएक्ट करें. और इनफैक्ट इससे पहले भी काफ़ी रिक्वेस्ट आई है इनकी वीडियोज़ पर रिएक्ट करने के लिए. सो लेट्स डू इट. या दरवाजे पर्दे करो किनारे खूटे से बंदी है हवा मिलके छुड़ाओ सारे. अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज हमजा इब्राहिम. आपके भाई का काम भी 25 है और एज भी. आज का व्लॉग इज अबाउट हाउ टू व्लॉग विद अ फोन. मैं समझता हूँ व्लॉगिंग करने के लिए दिल टूटना बहुत जरूरी है. मतलब कार्मा इज अ बिच, जजमेंट डे इज हियर एंड व्हाट गोज अराउंड कम बैक अराउंड. तो फोन से व्लॉग करने के 3 मजबूत रूल. ओए मजबूत रूल्स यहाँ से आएंगे इंग्लिश में. तो फ़ोन से ब्लॉगिंग करने के 3 सिंपल रूल्स. रूल नंबर 1, ये सोचना छोड़ दो कि ये फ़ोन है और ये सोचना शुरू कर दो कि ये सबसे महंगा कैमरा है मार्केट में जो सिर्फ तेरे पास अवेलेबल है लड़के. फॉर एग्जांपल, दोस्त के साथ टेरेस पे खड़े हो और कोई मोमेंट देखा तो वो अचानक से कैप्चर कर लिया और जेब में रख दिया. नो, डोंट गो टू द डार्क पाथ. कैमरे की सेटिंग करो 60 FPS पे, अपने अंदर का जानवर बाहर लाओ और ऐसा लगे कि लड़का फ़ोन वाला कैसी है. फिर देखना लॉन्डो, मार्केट में ऐसी की तैसी है. नहीं समझ आया? एक मिनट रुको, ये पढ़ें. ये कैसे पढ़ सकता हूं चाइनीज में? कोशिश तो करें. क्या बेकार की बात कर रहे हैं, मैं कैसे पढ़ सकता हूं इसकी बदतमीजी कर रहे हैं. कुछ ऐसी ही कैफियत होती है हम लॉन्डो की जब हम फोन से शूट कर रहे होते हैं, बस वो मल्टीप्लाई और 60 FPS वाले अक्षर ही समझ नहीं आ रहे होते. बहुत बुरा हो गया, पर अब ऐसा नहीं होगा, अब अच्छा होगा क्योंकि लॉन्डो काम 25 है. मतलब मैं आ गया मार्केट में फोन से ब्लॉगिंग करने में. रूल नंबर 2, फ़ोन वाले स्टोरीज पे फोकस करेंगे और कैमरे वाले शॉट्स पे. जिसके लिए यार मैं अभी डिक्शनरी का चार्ट पेपर लेने जा रहा हूँ. वैसे चार्ट पेपर मैं ऐसे भी ले सकता हूँ कि मैं गया, मैंने चार्ट पेपर ली, पैसे दिए और मैं वापस आ गया. लेकिन नहीं, एक अपनापन होता है, एक वो हम साथ साथ हैं वाली फीलिंग. दोस्त को बोला लेने आ, बटवे से पैसे निकाले, चप्पल पहनी, दरवाज़ा खोला, लॉन्डो को नीचे वेट कराया क्योंकि जाते जाते भाई कुछ केक शेक हो जाए. सीढ़ियाँ उतरी फिर उतरी और बैठते ही रोज़ाना की वो लड़कों की बेइज्जती कि भाई लेट क्यों आए तुम, जल्दी क्यों आ गया, और इरफान 2 घंटे बाद आता. क्या पी रहा था? मीठा खा रहा था. कम खाया करो मीठा, कानून हो जाता. डिक्शनरी की दुकान में एंट्री और वो सुबह की दिहाड़ी का मतलब के मुनीब खुल लेते देर पढ़े तो. पर गुस्सा नहीं करना, चिल करना और दोस्त से बोलना कि इरफान वो लस्सी नहीं पिलाओ. लस्सी पीएंगे आप और साथ सलाद, रायता, नान, कोल्ड ड्रिंक. पर ये तो हम भूल ही गए कि अपने दोस्त को तो आफ्टर इफेक्ट यूज करना आता है, तो क्या करेंगे इस 20 रुपए का. अब काम की बात, एक बात तो क्लियर है, कैमरे में पिक्चर प्रोफाइल, लो लाइट, ब्लर होता है जो हम गरीबों के फोन में नहीं होता. तो भैया क्या करें, फोन को फेंक दें? फोन में क्या दिया है भाई? फोन में टाइम लैप्स, पोर्टेबिलिटी और स्टोरी टेलिंग होती है जिससे कॉन्टेंट बन सकता है और हम बनाएंगे. रूल नंबर 3, द काम 25 है रूल. हम अपने रूल खुद बनाते हैं जिसमें तू और मैं स्वैग से बाहर एंट्री मारेंगे. मतलब लगेगा क्या एंट्री, लेकिन उससे पहले थोड़ी ना अपनी रियलिटी देख लेते हैं कि दुनिया हमें किस नज़र से देख रही है. पर मुझे दुनिया से फर्क नहीं पड़ता, मुझे वो वाली वाइब्स चाहिए, एक लौंडा वाइब्स, लगे कि लड़का घर से निकला है अपनी वाइब्स लेकर, अपनी ऑडियंस लेकर. ऑल आई ऑन मी. काबिल वो इंसान है जो बातिल को टुकरा दे, चुल्ले कश्ती वो जो साहिल तक पहुंचा दे, शक्ति वो जो जाहिल शख्स को डांटे चाटे जड़ दे, रुकावट को काटे जड़ से मंजिल तक पहुंचा दे, जड़ से काटे जोड़े सब से लाके छोड़े सबसे जिंदगी की दौड़ में जो. ऐसे ही यार छोटी छोटी चीजें वीडियो में बहुत नोट होती हैं, जैसे बात करते करते केसी की वाइब्स दे दी स्टार्टिंग में, वो भी केसी के स्टाइल में. केसी नाइस स्टार्ट. हाय गाइस, माय नेम इज हमजा एंड वी आर राइट नाउ एट कैन बिज़ार. और अगर रात की बेड लाइट से खेलना है तो ये नहीं चलेगा फोन में. रात में कैमरा निकाला और दोस्तों के साथ कहीं भी वीडियो बनाना शुरू कर दी, ये नहीं होती भाई ब्लॉगिंग. नो,
डोंट गो टू द डार्क पार्क. मेरी आई साइड वीक नहीं है इरफान के चश्मे. हाँ, उन्हीं दोस्तों के साथ अगर उस लाइट का फायदा उठा के तुम दिल चाहता है का शॉट ले लेते हो तो वो दोस्ती. दिल चाहता है हम ना रहे कभी. एंड इन दी एंड एक बात तो सिंपल है, पैसे होने से आपका महंगा कैमरा आता है, महंगे कपड़े आ जाते हैं, अमीर लोगों में उठना बैठना होता है और शायद अमीर लोग भी आ जाएं, लेकिन वो इज्जत नहीं आती, वो इज्जत जो छोटी सी मुझे अल्लाह ताला ने आप लोगों से दी है, वो इज्जत जो 10 बर्गर लोग नहीं समझ सकते, जो मेरी एक गली का लौंडा मुझे देखकर समझ जाता है. और वैसे भी यार कोई लोग बुरे थोड़ी होते हैं, बस अच्छे लोगों पर थोड़ा सा बुरा वक्त आ जाता है. तो फ़ोन उठा, व्लॉग बना और अपलोड कर, क्योंकि कोई सपना अधूरा नहीं होता, एक ना एक दिन तो वो पूरा होता ही है, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है मेरे दोस्त और हमारे पास वक्त बहुत कम है. माय नेम इज़ हमज़ा इब्राहिम, ये था मेरा 7वां व्लॉग, मिलेंगे 8वें पे. और भाई का काम 25 है, और सरकारी नौकर कभी नौकर नहीं होते लड़के, और हम तो फिर अपने आप में ही सरकार हैं. थोड़ा चेस बाहर निकाल लें. हंस क्या रहे हो, शाहरुख खान समझ रही हो क्या अपने आप को? वेल, मैं भूल गया कि हमारे पास कैमरा है ऑलरेडी. मैं तो ये फोन लेके चले जा रहा था, अभी तो व्लॉग बना दूंगा. मैं एक मिनट के लिए इतनी कंफ्यूज्ड हो गई, ये क्या कर रहा है? मैं ये जोश में लेके आ गया, फोन उठा और व्लॉग बना. इतने स्टाइल और स्वैग के साथ बोल दिया कि मुझे लगा कि मुझे भी अपना पार्ट कर लेना चाहिए. बट दो प्रॉब्लम्स है. क्या? अभी रात है. तो उसने टिप्स बताए ना रात में कैसे वीडियोस लेना, खुद का शैडो को फॉलो करूंगा. ऐसा प्रॉब्लम है, यू डोंट हैव फ्रेंड्स. है मेरे पास फ्रेंड्स. किधर है? वो लोग देख रहे होंगे वीडियोस. राइट, वो लोग देख रहे हैं, इधर आने नहीं वाले. वो बुलाऊंगा तो आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है. थोड़े दूर रहते हैं मेरे फ्रेंड्स इसलिए. बट सीरियसली इंस्पायर कर दिया, ऐसा लग रहा है कि मुझे भी व्लॉग बनाना चाहिए. एंड हमारे पास तो कैमरा भी है. हाँ. तो DSLR है, तो हमारे पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि हम लोग ट्राई क्यों नहीं कर रहे. तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो हम ज़रूर करना चाहते हैं. या वी कैन ट्राई, बट आप लोगों को थोड़ा सपोर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज वी आर नॉट दैट कॉन्फिडेंट येट. हाँ, हम लोग का फर्स्ट व्लॉग एक्सपेक्ट मत करो कि इसकी तरह होगा या not फिर इवन क्लोज. इमेजिन करो ना कि फर्स्ट व्लॉग ही इरफान या फिर मुरू के लेवल का बन गया तो. शिट, दैट विल बी अमेजिंग. हां, लेकिन नहीं होने वाला. बॉडी लेकिन इमेजिन करने में क्या होता. नहीं, मेरा इमेजिनेशन भी उतना दूर तक जा रही. बट या वी विल गिव आवर बेस्ट, क्योंकि इतना दिनों से देख रहे हैं तो आई थिंक कुछ तो ढंग का कर पाएंगे. बट ओनली इफ यू आर लेकिन But only if you all want to see. Yeah. लेकिन मैं जब भी देखता हूँ इनके जो व्लॉगर्स को देखता हूँ, मैं इतना सोचते रहता हूँ कि ये कैसे बनाया उन्होंने. इतने शॉट्स एकदम परफेक्टली स्मूथ वे में ऐसा जाते हैं, ट्रांजिशंस क्या अमेजिंग होता है, एडिटिंग लेवल क्या होता है. इन्होंने फिर भी सिंपल तरीके से बताया कि कैसा करते हैं, बट अभी हमें ये नहीं पता कि एक्चुअल कैमरा से कैसे करना. True. तो हमारा बहाना वो है, इसलिए हम लोग व्लॉग नहीं बनाते. I think next video इनका यही होना चाहिए कि How to vlog with a DSLR. Right, क्योंकि हमें नहीं आता. हमारे excuses इतने poor हैं. But no, we will try for sure. So coming back to the video. Yeah. Very talented. Yeah, camera नहीं, phone की camera से इतना सब किया. हाँ ना, मतलब वो सीन स्पेशली जो हाँ वो बैठे थे बात कर रहे थे तभी. आई थिंक स्केटबोर्ड से कुछ किया रहेगा, पता नहीं, बट अमेजिंग था. एंड या बहुत ऑब्जर्व करके करता है आई थिंक. केसी नाइस्टैट का भी मजाक उड़ा रहा था, वो उसके एक्सेंट की तरह बोलने की कोशिश कर रहा था. बहुत बड़ा ब्लॉगर है इंटरनेशनली. आई थिंक ब्लॉगिंग का कॉन्सेप्ट उसने बहुत ही लोगों के सामने लेके आ गया, बहुत पॉपुलर है. सो
इंटरेस्टिंग था, बहुत इंटरेस्टिंग. और बॉलीवुड मूवीज के बहुत रेफरेंसेस थे. सो हमें भी कनेक्ट करने में काफी इजी हुआ. मैं एक सेकंड के लिए कंफ्यूज हो गया था कि वो इंडियन है या पाकिस्तानी, बट समझ ही नहीं पा रहे थे. बट फिर इरफान को देखने के बाद क्लियर हो गया. मैं एक्चुअली वीडियो के बीच में पूछने वाला था ये इंडिया में हो रहा है या पाकिस्तान में हो रहा है. इट वाज सो क्यूट टू सी देम टुगेदर. इरफान सभी को जानता है क्या? सारे ब्लॉगर्स को. हम भी अगर ब्लॉगर बन गए, हम ऐसे घर से निकल के जा रहे रहेंगे पिकअप करने के लिए, इरफान आ जाएगा. वाओ. चलो फिर, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. बाय बाय. हम लोग जा रहे हैं ब्लॉग बनाने. थोड़े ड्रीम्स देख लेते हैं तब तक, क्योंकि अभी रात है, अभी हम कुछ कर नहीं सकते. ओ यस, अभी ड्रीम्स देखते हैं. सो बाय.